Hello friends, welcome back to my YouTube channel Queen of Wands Tarot Reading. And now I'll be doing reading for all my Pisces friends, यानी कि मैं मीन राशि के लिए रीडिंग करूँगी. और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. एक रेड कलर का आइकन आएगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करिए और आप सब्सक्राइब कर पाएंगी मेरे चैनल को. एंड उसके अलावा आपके पास जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक राइट साइड में आपको एक बॉक्स आएगा जिसमें बेल बनी होगी, आपको ऑल पे क्लिक करना है. जैसे ही ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी रिलेटेड टू योर रीडिंग, आपको वो मिलते रहेगी. ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे एक तो सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो टैरो कार्ड फैमिली है ये और ग्रो करे. क्योंकि अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी जो केस हुआ, इसमें भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं और कोशिश करिए कि हम हर तरीके से जस्टिस के लिए फाइट करें. तो इसके अलावा और भी कई ऐसे इश्यूज होंगे आगे चल के जिनके ऊपर हम मिल करके फाइट बैक कर सकते हैं. तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सबको यूनाइट होने का. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. चलिए तो शुरू करते हैं. हम पाइसिस के बारे में जानते हैं, मीन राशि के बारे में, कि 2020 का जो समय है, जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि अभी तक तो ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं. तो अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे कैसा रहेगा आपके लिए. चलिए I'll pull three cards for you, 1, 2 and 3. ओके, इसके बाद हम और कार्ड्स निकालेंगे थोड़े थोड़े करके. ऑल राइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है आपको. किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है और इस किंग के पास आप देख सकते हैं एक पेंटिकल है जो फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत ही ग्राउंडेड है. देखिए कितना ग्रीनरी है इसके आसपास, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है इसकी. और ये बहुत ही सिक्योर पर्सन है जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है. तो ये पर्सन है, ये हो सकता है आप हो या आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो. साथ ही साथ हमें हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है जो कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, जो पढ़ाई करता रहता है, जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, जो नई नई चीज़ें सीखना चाहता है. ये पर्सन की भी इसमें वाइब्स आई हैं. साथ ही साथ मुझे ये वाला एक कार्ड आया है, इसमें फोर ऑफ सोर्ड्स है. इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन ऐसा है जो रात को सो नहीं पा रहा, जो बहुत टेंशन में है, कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है, कुछ चीज़ के बारे में वो लगातार सोच रहा है. तो कुल मिला के मुझे ये तीन डिफरेंट कार्ड्स आए हैं जिसमें दो अलग पर्सनैलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आने वाले समय में, और एक पर्सन दिख रहा है जो बहुत परेशान है, जो बहुत बातें सोच रहा है अपने माइंड में और बहुत चीज़ें उसे परेशान कर रही हैं. तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, मतलब आगे आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है. मीन राशि के लिए अब हम कार्ड्स पुल करते हैं. ओके, डिसीट का कार्ड मुझे आया है, सैडनेस का कार्ड मुझे आया है, 5 of Cups और ये एक ऑफरिंग आपके लिए आ रही है. चलिए तो मैं आपको अगले जो तीन कार्ड्स हैं वो समझाती हूँ. इन तीन कार्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ये जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में था इसने आपको झूठ बोला हो, डिसीट किया हो या आपकी जासूसी करी हो. इस पर्सन ने जो ये ग्राउंडेड एनर्जी है जिसके पास पेंटिकल है, जो फाइनेंशियली अच्छा है, हो सकता है इस पर्सन ने कुछ आपके साथ ऐसा किया हो, आपसे झूठ बोला हो या आपको कोई बात क्लियर ना बताई हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हैं और आने वाले समय में ये एनर्जी मुझे दिख रही है. लेकिन आने वाले समय में चीज़ें जो बदलेंगी वो ये होगी कि आप जो है आप स्ट्रांग बन के सामने आएंगी और ये जो आपके पास जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आप सैड हैं और डिप्रेस थे, ये आप हैं और आप ये सैड हैं बिकॉज ये 3 कप नीचे गिर गए हैं. और लेकिन आप पीछे जो 2 कप्स हैं जो ये आप नहीं देख पा रहे हैं, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं. तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप इस वक्त उदास हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ और क्या सही होता क्या गलत. आप यहाँ पे देखिए ये पर्सन है, इसके पास ये कप है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऑफरिंग आपको आने वाली है. हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया हो और आप टेंशन में हैं कि क्या आपको वो लोग बुलाएंगे, कॉल करेंगे, क्या वो काम हो पाएगा. तो ये सब बातें आप सोच रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर टेंस्ड हैं. तो टैरो आपको ये कह रहा है कि आप टेंस ना हो क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है. चलिए और कार्ड्स पुल करते हैं आपके लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में जो है ये कौन है. क्या इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था? क्या हो सकता है कि आपको कोई आपका बिजनेस पार्टनर हो, उसने आपको के साथ गलत किया हो, चीट किया हो? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं. हैंगमैन,
हैंगमैन का मतलब है कि आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए, कि आपको नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप सोच रहे हैं और देखते हैं फ्यूचर में आप डिसीजन ले पाएंगे या नहीं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है आपका। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं और साथ ही साथ आप डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं और आप कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त, स्टक है आप बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया हो, और मीन राशि जो है पाइसिस जो है, हो सकता है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल होते हैं मीन राशि वाले, हो सकता है किसी ने आपके साथ डिसीट किया है, धोखा दिया है आपको, और इस वक्त आप सिर्फ कुछ टाइम चाह रहे हैं कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। क्योंकि देखिए ये जो पर्सन है इसके दोनों हाथ सब बंधे हुए हैं, आंखें बंद हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा पर्सन, ये बाउंडेड सा ऐसा महसूस कर रहा है, बंधा हुआ सा। साथ ही साथ ये यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी शॉर्ट्स हैं, और ये जो शॉर्ट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये पर्सन कोई सिचुएशन है उसको छोड़ के जा रहा है और यहाँ पे डिफेंसिव है। हो सकता है आपकी पास्ट में किसी से लड़ाई हुई हो और अब आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब आप क्या करें आगे ज़िंदगी में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो पर्सन है मुझे लगता है, हो सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट पर्सन, हो सकता है कि इसकी एनर्जी ऐसी हो, इसका जो बिहेवियर आपके साथ हो वो ठीक ना हो, और इस पर्सन ने कुछ आपके साथ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं और अब आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या करना है आगे। और यही डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस कार्ड में भी दिख रही है, आप उदास हैं, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है जो वर्कआउट नहीं करी है और उसकी वजह से आप उदास हैं। लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पे दो कप्स अभी सीधे रखे हुए हैं, ये गिर गए हैं लेकिन यहाँ दो कप सीधे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ टैरो आपको कह रहा है कि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हाई प्रिस्टस हैं आप। हाई प्रिस्टस जो होता है उसका माइंड बहुत तेज़ होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, और साथ ही साथ टैरो आपको ये भी कह रहे हैं कि जो भी आप जिस चीज़ की भी टेंशन ले रहे हैं उसकी टेंशन ना लें, जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे हैं वो टेंशन ना लें आप, क्योंकि ऑफरिंग्स हैं, प्रपोजल्स हैं। हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज करने वाला हो, ये पर्सन भी हो सकता है कि लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है या कोई बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। तो आप जो रात को जाग रहे हैं टेंशन में वो ना करें। और साथ ही हमें हीरोफेंट का कार्ड आया, हीरोफेंट का मतलब होता है कि जो इंटेलेक्चुअली अवेकन होता है। तो आपको इस वक्त हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप के बाद थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल होने पे ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए आपके लिए मैं तीन कार्ड्स और पुल करूंगी और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाएगी। 1, 2 एंड 3। ओके सो लेट्स सी व्हाट दीज थ्री कार्ड्स आर ऑल अबाउट। ओके सो वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड का मतलब होता है कि हर तरीके से संपन्न, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको हर तरीके से आपको बेनिफिट देंगी सिचुएशन। 10 ऑफ कप्स का मतलब है कि यू हैव कम्प्लीटेड अ साइकिल, और जो ये कप आपको दिख रहे हैं गिर गए हैं, आप ये देखिए सिर्फ 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स कुछ भी नहीं है, जब आप कार्ड रीडिंग करते हैं 5 ऑफ कप्स इज नथिंग। 5 ऑफ कप्स कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट यू इफ़ यू हैव 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का मतलब आप देखिए ये पर्सन कितना कंटेंट, कितना खुश लग रहा है। तो आपको 10 ऑफ कप्स आया है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अभी तक हुई हैं अब वो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप बहुत स्ट्रांग बन के सामने आएंगे। 10 ऑफ कप्स का मतलब ही ये है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, और 5 ऑफ कप्स जो भी हुआ है वो सब भूल जाइए, आगे बढ़िए, और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो पास्ट में, उसको पास्ट में छोड़ दीजिए क्योंकि उसका आप कोई काम नहीं है। यू आर दी एम्प्रेस, अगर आप फीमेल हैं तो भी और मेल हैं तो भी, ये एक एनर्जी है जिसको आप समझिए, क्योंकि इस एनर्जी का मतलब है, एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब है कि जो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके पास हर चीज़ है, हर फैसिलिटी है, जो माइंड से डेवलप्ड है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये ऐसा पर्सन है और ये आप हैं। आने वाले समय में आप 10 ऑफ कप्स भी आपको मिलेगा, यानी कि जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होगी और आप एक एम्प्रेस की तरह सामने आएंगी। तो जो भी आपने पास्ट में किसी चीज़ को छोड़ दिया, कोई रिलेशनशिप, कोई काम, तो उसकी टेंशन आप ना लें क्योंकि आगे के कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो जो भी स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो रही हैं, आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ अब आप ठीक करिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास यूनिवर्स भेज रहा है आपको उस पर ध्यान देना है। डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। और अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूँ तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये जो कप आपके पास आ रहा है, अगर आप इस कप को, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो भी पर्सन आपके पास ये प्रपोजल लेकर आएगा, तो आप 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे चल के।
ये सॉरी नाइन ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देखिए कि ये जो पर्सन है इसके पास एक कप है और ये नाइन कप है, तो जब वन और ये नाइन कप्स मिलेंगे तो पूरे 10 कप्स हो जाएंगे, यानी कि एक साइकिल पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये आपके सक्सेस के कार्ड्स हैं, ये आपको ग्रोथ के कार्ड्स हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कार्ड्स हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी कोई आपके पास, उसे प्लीज़ एक्सेप्ट करिए, उसको डिक्लाइन नहीं करिए, क्योंकि वो आपको ग्रोथ दिलाएगी। और ये नाइन कप्स हैं, नाइन ऑफ कप्स हैं, और ये वन जो है ये नाइट ऑफ कप्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा टाइम लगाएगा आने में। नाइट ऑफ कप्स जो है ये घोड़े पे जिस पे आ रहा है ये थोड़ा स्लो चल के आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कह सकते हैं कि अगर हम अभी से कैलकुलेट करने लगे तो ये अगस्त एंड में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगस्त एंड तक ये पर्सन, ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ आप इसको ग्रैब करिए, और बिल्कुल भी जो चीज़ हो गई पास्ट में उसके लिए रोइए नहीं, परेशान नहीं होइए, और स्लीपलेस नाइट मत करिए, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपके लिए पुल करूँगी यूनिवर्स का कार्ड, ऑल माई पाइसिस फ्रेंड्स, देखते हैं क्या लिखा है आपके लिए, क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। ओके, द सन कार्ड आया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा सन का मतलब है रोशनी, सन का मतलब है गुड हेल्थ, सन का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेन, एवरीथिंग। आपको सन कार्ड आया है जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, यानी कि आने वाले समय में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे ग्रैब करिए और आगे बढ़िए, आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सन कार्ड का मतलब ही है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी आने वाले समय में। तो 2020 का जो आने वाले टाइम है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। सो रियली नाइस रीडिंग फॉर ऑल माई पाइसिस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जुड़िए मेरी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, बाय नाउ।